दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे फैनकोड ECS T10 सीरीज के जो फर्स्ट एलिमिनेटर का ये मुकाबला होने वाला है LJU वर्सेस SIB के दरमियान में। दोस्तों इस मैच का पूरी डिटेल से हम लोग बात करेंगे और आपको बताएंगे कि LJU और SIB की टीम ने अभी तक इस सीरीज के कितने मैचेस खेला है, कितने मैचेस LJU की टीम विन करते हुए आ रहे हैं और कितने मैचेस लॉस करा है दोस्तों अभी तक इस सीरीज में, और कौन से खिलाड़ी है जो अभी तक पूरे सीरीज में दोस्तों ओपन करा है और आज इस मैच में भी ओपन करने वाला है, कौन से खिलाड़ी फर्स्ट राउंड पे खेलते हुए नजर आएंगे, सारे खिलाड़ियों का बैटिंग ऑर्डर मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। साथ ही साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि कौन से बॉलर यहां पे आपको कंप्लीट ओवर बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, कंप्लीट दो ओवर तक गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, कौन से बॉलर आपको एक ओवर तक गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे, कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी के लिए भी सबसे बेस्ट चॉइस प्रोवाइड करूंगा दोस्तों, जिसके मदद से आप इस मैच में शानदार टीम तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप इस मैच में एक बेहतरीन टीम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखना ताकि इस मैच से रिलेटेड आपको सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल पाए और आप एक बेहतरीन टीम बना पाओ। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा इस पर आप क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे जो बेल आइकन बना हुआ है ना, बेल आइकन पे क्लिक करने के बाद ऑल का ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों, इसको आप सेलेक्ट कर लेना। देखो इससे क्या होगा कि आने वाले मैचेस का वीडियो मैं जैसे अपलोड करूंगा आपके पास सीधे नोटिफिकेशन पहुंचेगा, सारी मैचेस का जानकारी आपको मिल पाएगा। दोस्तों अगर स्टेट्स पसंद आते हैं तो वीडियो को एक लाइक करके हमें मोटिवेट जरूर करना दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक से हमें काफी सपोर्ट मिलता है है। और सबसे जरूरी बात है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जहां पे आपको बिल्कुल फ्री टीम दे दिया जाता है लाइन अप आने के बाद। दोस्तों यहां पे आपको ना एक एरो का बटन दिख रहा होगा, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जिसमें 29,000 से भी अधिक यूजर ने ज्वाइन कर लिया है। दोस्तों देखो मैं दोनों ही टीमों के जितने भी खिलाड़ी हैं ना, सारे खिलाड़ियों का बैटिंग ऑर्डर मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों सारे खिलाड़ियों को देखते हुए, स्टेट्स को देखते हुए, परफॉर्मेंस को देखते हुए एक टीम तैयार करेंगे जो फाइनल टीम रहेगा लास्ट में, और दोस्तों अगर उसमें एक भी चेंजेस होता है ना लाइनअप आने के बाद तो वही टीम आपको अपडेट कर दिया जाता है इस ग्रुप में। तो आपके ही फायदे के लिए जल्दी से ज्वाइन कर लो, इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स पहला कमेंट में मिल जाएगा। तो आई होप आपने ज्वाइन कर लिया होगा दोस्तों। तो चलिए स्टेट्स की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शुरुआत करेंगे हम लोग सबसे पहले मैच वेन्यू से। तो आपको पता ही होगा इस सीरीज के सारे मैचेस एक ही ग्राउंड पे हो रहे हैं, और यहाँ का अगर आप पिच देखोगे ना दोस्तों तो बैट्समैन के लिए काफ़ी बढ़िया अधिक सपोर्ट मिल रहा है इस ग्राउंड पे। अभी तक जितने भी मैचेस हुए दोस्तों बैट्समैन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है, और एक एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर देखा जाए तो 110-120 के आसपास फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर देखने को मिल सकता है। बाकी अगर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे बॉलर्स के लिए तो पेस बॉलर्स ने काफ़ी कमाल के विकेट निकाले हैं एज कम्पेयर टू स्पिनर के खिलाफ। तो दोस्तों ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा पेस बॉलर को लेते हुए चलेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि LJU की टीम ने अभी तक इस सीरीज के कितने मैचेस खेला है, कितने मैचेस विन करते हुए आ रहे हैं। दोस्तों अगर आप देखोगे ना तो इस सीरीज के अभी तक इस टीम ने 8 मैचेस खेल चुके हैं, जिसमें से 3 मैचेस यहाँ पे विन करा है और बाकी अगर आप देखोगे तो सारे मैचेस लॉस करते हुए आए हैं। और वहीं अगर बात करोगे SIB की टीम के बारे में तो SIB की टीम ने अभी तक देखोगे तो इस टीम ने भी 8 मैचेस खेल चुके हैं, जिसमें से दोस्तों देखोगे यहाँ पे 2 ही मैचेस विन करा है और बाकी के 6 मैचेस लॉस करते हुए आए हैं। दोस्तों इस सीरीज के खेले गए मैचेस में जो ओपन करते हुए नजर आ रहे हैं LJU की टीम की तरफ से, शोएब सिद्दीकी जो कि टीम के ओपनर बल्लेबाज रहेंगे दोस्तों, पहले मैच में ओपन करते हुए 31 रन बनाए थे, फिर 27 रन बनाए, फिर 16 रन, फिर 56 रन बना के 2 विकेट, फिर 31 रन, फिर 32 रन, फिर देखोगे दोस्तों लास्ट मैच में तो यहाँ पे 25 रन बना के 1 विकेट छटकाए हैं। दोस्तों ये ना आपको 2 ओवर कन्फर्म गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे, और अभी तक देखोगे तो इस सीरीज में काफ़ी बढ़िया यहाँ पे बॉलिंग से यहाँ पे गए काफ़ी बढ़िया विकेट भी निकाले हैं और बल्लेबाजी से भी काफ़ी बढ़िया स्कोर कराया। दोस्तों अगर आप चाहें तो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए भी इनको अपने टीम में ले सकते हो। बाकी अदिल मिर्ज़ा की बात करेंगे तो ये भी आपको कंफर्म 2 ओवर गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे, पहले मैच में ओपन करते हुए 18 रन बनाए थे, कोई विकेट नहीं मिला, फिर फ्लॉप रहे थे, फिर 1 विकेट, फिर 1 विकेट। इसी प्रकार अगर आप देखोगे तो पूरी सीरीज में 52 रन बना के 2 विकेट निकाले हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा अभी तक देखोगे तो कई मैच में फ्लॉप रहा था, लेकिन एक चीज ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि टीम के टॉप पर बल्लेबाजी करा है और बॉलिंग भी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ले सकते हैं अपने टीम में। बाकी शोएब अरशद की बात करेंगे तो पूरी सीरीज में अभी तक इन्होंने 103 रन स्कोर कराया, टीम का फर्स्ट उनका बल्लेबाज है, पहले मैच में 15 रन, फिर 12 रन, फिर 15 रन, और पूरी सीरीज में मात्र 103 रन स्कोर करा है। लेकिन याद कर रखना बॉलिंग करते हुए नहीं दिखेंगे, लास्ट मैच में भले ही बॉलिंग करा है लेकिन ये रेगुलर बॉलर नहीं है दोस्तों। बाकी नीलेश की बात करेंगे तो दोस्तों नीलेश ने अभी तक देखोगे तो अभी तक पूरे सीरीज में 54 रन बना के 4 विकेट निकाले हैं, 2 ओवर तक गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, टीम का सेकेंड राउंड का बल्लेबाज है, आप इनको अपने टीम में ट्राई कर सकते हैं जो आपको बॉलिंग से भी पॉइंट दे सकते हैं। दोस्तों आयुष पांडे
इंडिया की बात करेंगे तो एक ओवर तक गेंदबाजी कर रहे हैं, पहले मैच में 2 रन बना के 1 विकेट निकाले, फिर 7 रन बना के 1 विकेट, फिर 19 रन बना के 1 विकेट, फिर फ्लॉप रहा है दोस्तों। और पूरे सीरीज में देखोगे तो 56 रन बना के 3 विकेट अभी तक चटकाए हैं। ओएम राज की बात करोगे तो पहले मैच में फ्लॉप, फिर लगातार मैच से फ्लॉप रहा है देख सकते हैं। और पूरी सीरीज में दोस्तों लेकिन जिस प्रकार विकेट निकाला है, 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट देख सकते हैं और अभी तक 6 विकेट टोटल निकाल चुका है। देखो बल्लेबाजी से खास यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे कुछ खास अभी तक नहीं कर पाए हैं बल्लेबाजी से स्कोर, क्योंकि दोस्तों ये प्रोफेशनल तरीके से देखोगे ना तो ये बॉलर ही हैं, आपको कंफर्म 2 बार गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे और 19 रन बना के 6 विकेट निकाले इंपॉर्टेंट है ले सकते हैं। बाकी इनको ड्रॉप करो, कम मैचेस खेले हैं, कुछ खास स्टेट्स नहीं है। यहाँ पे भी ये फ्लॉप रहे हैं दोस्तों, मात्र 32 रन बनाए पूरी सीरीज में, इनका भी स्टेट्स कुछ खास नहीं है। टोटल इनका देखोगे यहाँ पर दिनेश का जो 79 रन बनाए दोस्तों, ये भी देखोगे अभी तक 3 मैचेस 4 मैचेस खेले जिसमें से 3 विकेट अभी तक निकाले हैं। और लास्ट जो खिलाड़ी अभी तक इन्होंने 3 मैचेस बॉलिंग करा है 2 ओवर करके और 3 मैचेस में बंदा फ्लॉप रहा है, इनको ड्रॉप करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों ये जो जानकारी था ना ये LJU का था जो कि अभी तक इस सीरीज के 8 मैचेस खेलते हुए आ रहे हैं। लेकिन सेकंड टीम की बात करेंगे दोस्तों यहां पे SIB की टीम के बारे में, तो इस टीम की तरफ से अगर आप देखोगे यहां पे तो इन्होंने कई मैचेस में ओपन कराया लेकिन ये बंदा फ्लॉप रहा है। स्टार्टिंग की जो 2 खिलाड़ी है ना इन दोनों को आप यहां पे ड्रॉप करते हुए चलो, स्टेट्स कुछ खास रहा नहीं है। बाकी इनके बारे में बात करेंगे दोस्तों, पूरे सीरीज में 25 रन बना के 9 विकेट निकाले, 2 ओवर तक गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। पहले मैच में फ्लॉप, कई मैच में यहां पे बल्लेबाजी से फ्लॉप जरूर रहे, 3 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। लेकिन दोस्तों अगर बॉलिंग से देखोगे ना तो काफी बढ़िया विकेट निकाले हैं, 9 विकेट निकाले हैं। देखो एज ए बॉलर इनको लेना है, अगर ये बल्लेबाजी से स्कोर बनाते हैं दोस्तों तो हमारे लिए प्लस पॉइंट रहेगा, ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, एज ए बॉलर ही आपको लेना होगा। बाकी बात करेंगे आचार्य के बारे में दोस्तों, इनका भी स्टेट्स आपके सामने 97 रन पूरी सीरीज में अभी तक बनाए हैं, टीम का सेकंड राउंड का बल्लेबाज है, अच्छे स्कोर कर सकते हैं। मोहन की बात करेंगे, ओपन करते हुए पहले मैच में 21 रन बना के 2 विकेट, फिर यहाँ पे 24 रन बना के 1 विकेट, फिर फ्लॉप रहे थे कई मैचेस में देख सकते हैं। और पूरी सीरीज में देखोगे तो 81 रन बना के 4 विकेट निकाले दोस्तों। देखो ये 2 बार कंफर्म गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे सकते हैं, जो टीम के टॉप पे भी आपको बल्लेबाजी करते हुए दिख जाएंगे तो इनको अपने टीम में ले सकते हैं। वही बाजू की बात करोगे ना तो ये भी 2 बार कन्फर्म गेंदबाजी कर रहे हैं, पहले मैच है फ्लॉप, दूसरे मैच फ्लॉप, कई मैच में बंदा फ्लॉप रहा है और अभी तक पूरी सीरीज में देखोगे तो 19 रन बना के 5 विकेट निकाले हैं। देखो बॉलिंग का शानदार कर रहे हैं, बॉलिंग से लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वहीं अगर बात करें अब्राहम के बारे में दोस्तों, इनका भी स्टेट्स आपके सामने, जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से काफ़ी बढ़िया पॉइंट दिया अभी तक और कैप्टनसी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है ये खिलाड़ी, देख सकते हो फर्स्ट राउंड का खिलाड़ी है। पहले मैच में 33 रन बनाए थे, फिर ओपन करते 15 रन बना के 3 विकेट, फिर 62 रन और पूरे सीरीज में अच्छा स्कोर करा है बल्लेबाजी से और गेंदबाजी भी कन्फर्म 2 बार करते हुए दिखेंगे, यानी कि कैप्टनसी के लिए देखोगे तो ये सबसे बेस्ट रहेंगे दोस्तों आपके लिए। अमल की बात करते हैं जो पूरे सीरीज में अभी तक 24 रन बना के 6 विकेट निकाले हैं, पहले मैच में 1 विकेट, फिर 3 विकेट, फिर 1 विकेट और यहाँ पे कई मैचेस में बंदा फ्लॉप रहा है, 2 बार कन्फर्म गेंदबाजी करते हुए तो दिखे हैं। बाकी जो लास्ट के यहाँ पे खिलाड़ी देख रहे हो ना, 4 से 5 खिलाड़ी, चारों के चारों यहाँ पे गैस नए खिलाड़ी है देख लो, और कुछ खास स्टेट्स रहा नहीं है, कम मैचेस खेले हैं, कभी कोई 2 मैचेस खेला है, कभी कोई 1 ही मैचेस खेलते हुए आ रहे हैं, तो इन यहाँ पे 4-5 खिलाड़ी को इग्नोर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों ये जानकारी है इस मैच से रिलेटेड, जो आप सारे खिलाड़ियों का स्टेट्स देख रहे हैं बैटिंग ऑर्डर के साथ, यहाँ पे पिच रिपोर्ट भी आपने देखा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस वीडियो से इस मैच से रिलेटेड आपको काफी कुछ जानकारी मिला होगा, तो एक लाइक करके दोस्तों हमें सपोर्ट जरूर करना। दोस्तों शुरुआत करेंगे हम लोग सबसे पहले विकेट कीपर से, जो आज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों सारे खिलाड़ियों का मैंने स्टेट्स आपको पूरी क्लियर तरीके से बताया है, पूरी क्लीन तरीके से बताया है। विकेट कीपर में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे ए पांडे सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा दोस्तों, इनको यहाँ पर पिक करते हुए चलेंगे। बाकी का स्टेट्स कुछ खास नहीं है LJU के इस खिलाड़ी के मुकाबले। बाकी बैटिंग की बात करेंगे तो मैंने 3 बैट्समैन को अपने टीम में ले रखा है, एस अरशद हाई इंपॉर्टेंट रहने वाला है, LJU की टीम की तरफ से टीम का टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है। यहाँ पे SIB की टीम की तरफ से इनको लेते हुए चलेंगे, ये भी बहुत शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। बाकी डी मत्ता को भी ट्राई करते हुए चलेंगे, डी मत्ता जो कि गाइस LJU की टीम की तरफ से कुछ मैचेस में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है। बाकी का स्टेट्स देखो बैटिंग में कुछ खास है नहीं, लेकिन ऑलराउंडर की बात करोगे ना तो यहाँ पे 4 ऑलराउंडर को मैंने लिया हुआ है। एम अकरम को मैंने दोस्तों हाई इंपोर्टेंट बताया दोस्तों, कैप्टनसी के लिए देखोगे तो के अब्राहम सबसे बेस्ट रहेगा दोस्तों। यहाँ पे SIB की टीम की तरफ से कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए इनको ले सकते हैं। बाकी एस दिको को भी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए ट्राई कर सकते हैं, रीजन आपको पता होगा टीम का टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, बैटिंग के साथ आपको बॉलिंग भी करते हुए दिखेंगे। इन दोनों को मस्ट पिक करना कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए। बाकी देखो ये चॉइस आपके पास है, ए मिर्जा की बात करेंगे ना तो ये दोस्तों टीम के ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे बॉलिंग भी कर रहे हैं लेकिन कुछ मैचेस में फ्लॉप रह रहा है, लेकिन जिस वजह से यहाँ पर देखोगे तो इनका सिलेक्शन कम होता जा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप इनको लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो कि आपको पता होगा ये एलिमिनेटर का ये मैच होने वाला है, मे बी किसमें इनका फॉर्म वापस आए, अगर इनको ड्रॉप करते हैं तो आपके पास मैं चॉइस बता देता हूँ। इन तीनों को लेने के बाद आप यहाँ पे दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने इच्छा से यहाँ पे टीम को भी ले सकते हैं, जो काफी कम मैचेस खेले हैं कंटिन्यू
विकेट निकाले हैं, आप इनके साथ जा सकते हो, या फिर चाहो तो इनको भी अपने टीम में ले सकते हो, जो आपको कन्फर्म दो बार गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे। बाकी दोस्तों मैंने यहाँ पे तीनों मेन गेंदबाज को लिया हुआ है जो कन्फर्म आपको दो बार तक गेंदबाजी करते हुए दिख जाएंगे। बाकी कैप्टनसी की बात करोगे तो मैंने जैसे कि कहा था कि कैप्टनसी के लिए सबसे बेस्ट रहेंगे और वाइस कैप्टनसी के लिए के एब्राहम को ट्राई कर रहे हैं, और इस टीम को दोस्तों आप सेव करके रख लो। यहाँ पे ना अगर कोई भी चेंजेस होता है तो मैं फाइनल टीम आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्कशन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स पहला कमेंट में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।